तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस छोटे से ब्लॉग में। तो आज हम लोग इस भीड़ खचाखच भीड़ को देखकर समझ ही गए होंगे हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो जा तो रहे थे हम लोग बाइबा देने एनएसएस का, लेकिन वहाँ जाने पर कुछ और ही पता चला कि एनएसएस का बाइबा नहीं, हम लोग कहीं और ही जा रहे हैं। और इस दीदी का हंसी तो हमें पता नहीं कहाँ हंस रही है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो हम लोग एनएसएस का बाइबा देने पहुँच चुके थे जिला स्तरीय पड़ोसन युवा सांसद कार्यक्रम में, जहाँ पता चलता है कि हमें वहाँ हमारा वाइबा नहीं, कुछ महानुभावों का भाषण व लेक्चर सुनने की हमारे कानों की तृप्त प्राप्ति के पश्चात। मुझे तो भाई पता था कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इन भाइयों को कुछ नहीं पता था कि क्या होना है, कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करना है। बातें ज्ञात नहीं थी, ये भाई जान रहे थे ब्लॉग बन रहा था तो बोले भैया हमारा भी ले लीजिए ब्लॉग में, हम भी आ जाए। युवाओं की इस भीड़ ने ग्राउंड फ्लोर पर सीट ना मिलने के कारण धक्का धक्की के पश्चात ऊपर की फ्लोर पर हम लोग रूपांतरित हो चुके थे। तत्पश्चात भीड़ तो खचाखच भरी थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये वाइबा देने बच्चे आए हैं कि बच्चियां आई हैं। भाई लड़कों का आदत बहुत खराब होता है, मोबाइल का कैमरा खुलते ही बाल सहलाने लगते हैं। तो ये सांसदों को मुहवाने के लिए महामहिम श्री शिव प्रताप शुक्ल जी आए हैं, जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो कुछ देर तक तो डाउट था कि यही भाई साहब हम लोग का वाइवा तो नहीं लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। भीड़ जुटाने का कार्यक्रम था हमारे एनएसएस के कुछ अधिकारियों सर द्वारा, तथा ये दीदी ब्लॉक में नहीं आना चाहते थे। ये है हॉल का कुछ इंटीरियर माहौल, तो हॉल के इंटीरियर माहौल का कुछ तो ये अच्छा खासा रहा, तथा घंटों भर यार एनएसएस का वाइवा या यू के भाषण सुनने के पश्चात भूख तो तगड़ी लगी थी, तथा इन दीदियों द्वारा अद्भुत क्रियाकलापों से इन वीडियो में आप सब देख सकते हैं। कोई कैमरे में मशहूर है, कोई खाने में लगी हुई है, तथा ये दीदी जान रही है ब्लॉग में आना है तो ब्लॉग में आ चुकी है। इन दीदी का भाई खाना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तत्पश्चात तो हम लोगों ने आगे की ओर भाषण को लगातार सुनने के पश्चात फिर से नीचे की ओर आ गए थे। तब मैं ग्राउंड फ्लोर पे कुछ सीटें खाली होने के बाद नीचे बैठ करके साक्षात दर्शन व सुनने की अनुभूति तथा बाइबा की प्रक्रिया में आगे की तरफ एक एक चरण पदों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग निकल चुके थे। बाइबा का सर आपका हो रहा है, वाइबा के नाम से भाई का साइन हो चुका है, ये अजीत भाई वाइबा हुआ एनएसएस का, एनएसएस एनएसएस के नाम पे सोसड हो रहा है बच्चों, एनएसएस के नाम पे इनका सोसड हो रहा है भाई। फालतू का टाइम बर्बाद किया जा रहा है, फालतू का स्पीच सुनने को मिल रहा है यहाँ पे, भारत का सम्मान बढ़ा है, क्या बताया जाए यहाँ घर के पास दे रहे हैं चुनाव के द्वारा हमारा देश का प्रचार। अजीत भाई का कहना है कि एनएसएस की वाइबा हम जैसे महान भाव उससे प्राप्त हुआ है, 10 साल में क्या भारत है कमेंट में बताइएगा। एनएसएस माइनर में आपको कमेंट दिया है या हो गया है, प्रक्रिया तो निरंतर चालू ही थी। तत्पश्चात पता चला गुप्त सूत्रों के अनुसार कि पैकेट की थाली, नाश्ते की थाली भी मिल रही है। भीड़ में खचाखच लाइन के पश्चात मैं दूसरा पैकेट को, एक पैकेट खाने के बाद दूसरे पैकेट की प्राप्ति कर लिया। तत्पश्चात सभी के हाथों में थैली व नाश्ते का पैकेट देख करके भाई कुछ मिले या ना मिले, खाना तो मिला। तत्पश्चात इस भाई का भाषण सुन के यार मन की शांति हुई, तथा ये सांसद भवन की एक छवि को प्रारूप कर रहे थे हमारे कुछ सीनियर, तथा इन्हें सुनिए देखिए क्या कहते हैं। भाड़ा भी हमें पेमेंट करना होगा, क्योंकि नेता अपना संबोधन करके चल निकल चुके हैं, तो बाकी का आगे हम लोग को तय करना है यात्रा। चिलचिलाती धूप में टेम्पू के सहारा लेकर के हम लोग सब लोग अपने पोस्टिंग में, आप कुछ कहना चाहेंगे माओ सर? कुछ नहीं, धूप काफ़ी ज़्यादा है, पैदल जा नहीं सकते इसलिए ऑटो करना पड़ा